नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आपको लीवर पेन आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाए, बहुत ही आसानी से हो जाए। और दोस्तों, अगर आपका ड्यू डेट आ चुका है, आपकी डिलीवरी 1 से 2 दिन के अंदर होने वाली है, तो भी आपको ये सभी काम करने चाहिए। इससे आपको समय पर लीवर पेन आता है और आपकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती है। दोस्तों देखिए, वैसे अगर आपकी डिलीवरी 41 वीक तक होती है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आपको लीवर पेन नहीं आता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको लीवर पेन आता है ना, आपको क्या करना है कि आपको एक्टिव हो जाना है। बहुत सारी महिलाएँ लीवर पेन शुरू होने के बाद बिस्तर पर लेट जाती हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती हैं। इससे आपका लीवर काफ़ी लंबे समय तक चलता है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सर्वेक्स खुलेगा वैसे वैसे आपका दर्द बढ़ेगा। तो लंबे समय तक दर्द बर्दाश्त करने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाए और वो भी बहुत ही आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको टहलना है। टहल आप कैसे सकते हैं कि आप बाहर जाके मत टहलो, अपने घर के अंदर ही, या फिर आप हॉस्पिटल चली गई हैं तो हॉस्पिटल के अंदर ही आप दीवार के सहारे, या फिर आपके साथ कोई है तो आप उसके सहारे टहलिए। टहलने से आपका सर्वेक्स जल्दी खुलता है, क्योंकि आपको पता ही है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन्स का होना बहुत ज़रूरी है, और रिलैक्सिन हार्मोन्स तभी उत्पन्न होगा जब आप एक्टिव रहेंगी। तो आप टहलना शुरू कीजिए, इससे आपके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन्स बनेंगे। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपका बच्चा नीचे की तरफ और जल्दी आएगा, और जल्दी अपने सर से दबाव बनाएगा तो आपका सर्वेक्स बहुत जल्दी खुलेगा। तो पहला ये काम करें, और ऐसा नहीं है कि आपको आराम नहीं करना है, बीच बीच में आपको आराम भी करना है। कि इसके अलावा जो दूसरा काम आपको करना है वो है खाने पीने पे ध्यान देना। तो खाने पीने पे ध्यान आप कैसे दे सकते हैं? सबसे पहला तो आप इस समय गर्म चीज़ें खाइए। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, गर्म चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ठंडी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। लेकिन अगर आपको लीवर पेन स्टार्ट हो गया है या फिर आपका ड्यू डेट 1 से 2 दिन के अंदर आने वाला है, तो आपको ऐसे में ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ठंडी दही, लस्सी, छाछ, ठंडी आइसक्रीम, या फिर आप ठंडा पानी मान लीजिए, कुछ भी ठंडा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी आप ठंडा लेते हो, आपको कुछ भी नहीं लेना है। आपको ठंडा खाना भी नहीं खाना है। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप अपना मुंह फुका लो, लेकिन गर्म खाना खाइए। अगर आप ठंडी चीज़ें खाते हैं ना, तो इससे आपका गर्भाशय सिकुड़ता है और उसको फैलने में मदद नहीं मिलती है। लेकिन आप गर्म चीज़ें खाते हैं तो आपका जो गर्भाशय है वो मुलायम होता है, उसको फैलने में मदद मिलती है, तो आपका सर्वेक्स भी बहुत जल्दी खुलता है। तो आपको यही करना है कि आप गर्म पानी ज़्यादा पीजिए, और आप गर्म चाय पी सकते हैं। ध्यान रखिए कि ज़्यादा दूध वाली, अदरक वाली चाय आप ना पिएं, काली चाय पिएं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आप दूध वाली चाय भी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन लिमिट मात्रा में, ज़्यादा ना पिए, नहीं तो फिर आपके पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम हो जाएगी, और इस समय गैस बनना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा आप हॉट चॉकलेट वगैरह पी सकते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आप जूस वगैरह पीजिए, ये भी फ़ायदेमंद रहेगा। इससे आपको एनर्जी मिलेगी, बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जूस वगैरह ठंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। और इसके बाद जो आप नेक्स्ट चीज़ खा सकते हैं वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आपको पता है गर्म होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होता है, तो ड्राई फ्रूट्स खाइए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप खजूर खाइए, और आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में 7 से 8 खजूर भी खा सकती हैं। और अगर आपको लीवर पेन शुरू हो गया है तो आप दूध में खजूर डाल के ले लीजिए, वैसे ही खजूर को खा लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप खजूर को ज़रूर खाओ। क्योंकि खजूर से एक तो आपको लीवर पेन का जो दर्द होता है ना, उसमें राहत मिलती है, और इसके अलावा ये आपके सर्वेक्स को खोलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपके शरीर में जो डिलीवरी वाले हार्मोन्स होता है उसको उत्पन्न करता है, तो बहुत तरीके से आपकी हेल्प करता है, तो आपको खजूर ज़रूर खाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है गर्म दूध। गर्म दूध आपको कैसे लेना है? गर्म दूध आपको लेना है हल्दी डाल के। हल्दी कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है आपको पता ही है, और इसके अलावा हल्दी काफ़ी गर्म होती है, तो आपको हल्दी वाला दूध पीना है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, दर्द में भी और नॉर्मल डिलीवरी में भी। इसके अलावा आप केसर वाला दूध पीजिए, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, और आपको इससे नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इससे भी आपका सर्वेक्स बहुत जल्दी खुलने लगेगा। इस समय आपको रुक रुक के दर्द आता है, ये आपको पता ही है कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ऐसे में आप अपने कमर की मालिश करवा सकते हैं। आपके हस्बैंड, आपकी सासू माँ, आपकी माँ, कोई भी है ना, जब भी आपको दर्द हो आप अपनी कमर पर हल्की हल्की सी मालिश करवा लीजिए, मतलब कि वैसे ही हाथ से सहलवा लीजिए, तो इससे आपके दर्द में राहत मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों जो आपको नेक्स्ट काम करना चाहिए वो ये कि इस समय आपको थोड़े से एक्सरसाइज करना चाहिए। अब आप एक्सरसाइज कैसे कर सकती हैं? आपको उघड़ू अवस्था में बैठना चाहिए, क्योंकि उघड़ू अवस्था में बैठने से आपका सर्वेक्स
जल्दी से फैलता है, आपका बच्चा जल्दी दबाव बनाता है और आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप दीवार के सहारे झुक सकते हैं, मतलब कि दीवार को पकड़ के आप उसके सहारे झुकिए, तो इससे भी आपका सर्वेक्स खुलता है। इसके अलावा आपको पता ही है कि इस समय आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, तो आपको क्या करना है कि यूरिन आपको नीचे बैठ के करना है। जैसे कि इंडियन टॉयलेट होता है ना, तो हॉस्पिटल में हो सकता है कि आपको ऐसा टॉयलेट ना मिले या फिर आपके घर में ऐसा टॉयलेट ना हो, तो आप बाथरूम में ही इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं उस अवस्था में बैठ के यूरिन पास करें, तो इससे भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है और आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होती है। अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप अपने साथ किसी को लेके चले जाइए बाथरूम में, जो कि आपको उठाने बैठाने में मदद कर सके। तो आपको यही थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने हैं, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। और दोस्तों देखिए, इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपको अपने सांस लेने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करना है। बदलाव कैसे करना है कि आपको नॉर्मल तरीके से सांस नहीं लेना है, या फिर आपको सांस ऐसे नहीं लेना है जिससे कि आपका सांस ऊपर की तरफ खींचे। ठीक है, कैसे सांस लेना है कि आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से सांस लेना है। ऐसे मत कीजिएगा कि आपका जो बच्चा ऊपर की तरफ खींचे, समझ रहे हो ना। तो सांस लेने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा, लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लीजिएगा। इसके अलावा आपको इस समय एक बात का ध्यान और रखना है कि इस समय आपको झटके से उठना बैठना नहीं है, जल्दबाजी में चलना नहीं है, क्योंकि झटके से उठने से आपका बच्चा ऊपर की तरफ जा सकता है, आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है क्योंकि बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो इस समय झटके से उठने से, बैठने से, लेटने से आपको और आपके बच्चे दोनों को ही दिक्कत होगी। जल्दी जल्दी चलना भी आपके लिए इस समय सेफ नहीं है क्योंकि आपका बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाता है, इसलिए आराम आराम से चलें। इसके अलावा आप झटके से उठे बैठे नहीं, झटके से लेटे नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिए। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सी महिलाएं पीठ के बल लेट जाती हैं, तो आपको ये भी नहीं करना है। अगर आप लेट भी रही हैं तो आप करवट से लेटिए, ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको समय पर लेबर पेन आए या फिर आपका लेबर पेन आ चुका है तो आपको जल्दी डिलीवरी हो जाए, तो आपको इस समय कुछ ना कुछ खाते रहना है, आपको खाली पेट नहीं रहना है। क्योंकि हो सकता है कि दर्द की वजह से आप खाना ना चाहो, आपका खाने का मन ना करे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस समय आपको हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाते रहना है, हैवी चीज़ें नहीं खानी हैं, जैसे कि हलवा हो गया या फिर बहुत सारे लोग दूध में घी डाल के पी लेते हैं, या फिर पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, समोसा, कुछ भी ऐसा हैवी खाना आपको नहीं खाना है। आपको सिंपल सिंपल खाना है, आप दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हो, घर की बनी सिंपल दाल रोटी खा सकते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ ना कुछ आप खाते रहें, खाली पेट ना रहें। तो इसके अलावा मानसिक रूप की बात करें तो इस समय आपको अपने दिमाग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा, धैर्य बना के रखना होगा, तनाव नहीं लेना होगा और अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि डिलीवरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब लेबर पेन शुरू हो जाता है ना, तो अपने आप को शांत कर लीजिए और लेबर पेन को बर्दाश्त कीजिए। ऐसा नहीं आप चिल्ला नहीं सकते हो, बिल्कुल चिल्ला सकते हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा चिल्लाने से आपकी एनर्जी डाउन होगी, तो ऐसी गलती ना करें और शांत रहें। दर्द होता है उसको बर्दाश्त करें, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचें, तो आपको ये करना है। बाकी लीवर पेन शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो लीवर पेन है कितने समय तक चलने वाला है। हो सकता है 2-4 घंटे चले, हो सकता है 10-20 घंटे चले, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते, टेक केयर।